In a bid to check spread of bird flu, the Delhi government has made health certificate mandatory for poultry transported to the Ghazipur poultry market, Animal Husbandry Minister Gopal Rai said on Friday. लेकिन एहतियात के तौर पर मंडी में हमने वहां पर तीन निर्णय लिए हैं। पहला, वहां पर भी हमने एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है जिसमें 5 सदस्य वहां के ऑफिसर्स के होंगे, 5 जो डॉक्टर हैं पशुपत एनिमल हस्बेंड्री विभाग के वो होंगे और 5 वहां के व्यापारी होंगे। ये कमेटी की जिम्मेदारी होगी, वहां क्लोज मॉनिटरिंग को रेगुलर बेस पे हम करेंगे। दूसरा जो हमने वहां निर्णय लिया है कि विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट अगर कोई गाड़ी आती है, बिना डॉक्टर के सर्टिफिकेट की कोई गाड़ी आती है, तो उसे कल तो अभी वार्निंग दिया जाएगा लेकिन परसों से फिर उसे मंडी में इनकी उसकी बैन की जाएगी। जो भी गाड़ियां अलग अलग पोल्ट्री फार्म से लेकर के आती हैं, वहां से उनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट मिलती है कि जिन बर्ड्स को वो कैरी करके ले जा रहे हैं वो मेडिकली फिट है। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट की चेकिंग कल वार्निंग होगी लेकिन परसों से उन गाड़ियों को रोका जाएगा। थर्ड जो निर्णय वहां पर हमने लिया है, जो डॉक्टरों की सलाह थी कि जो उसका एंट्री गेट है वहां पर हम लोग मेडिकेटेड सबवे बना रहे हैं, तो उसमें पानी होगा और पानी के अंदर मेडिसिन होगा। कोई भी ट्रक जो है वहां एंट्री करता है तो उसका टायर पहले उसमें से रोटेट करके धुलेगा जिससे कि मंडी के अंदर जो है कोई इंफेक्शन लेकर के ना जा सके। तो ये सबवे का काम आज हमने शुरू कर दिया है, कल शाम तक वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 निर्णय हम लोगों ने सुबह गाजीपुर मंडी के लिए एहतियात के तौर पर लिया था कि जो रिपोर्ट अभी तक आई है H5N8 की, उससे दिल्ली वालों के ऊपर किसी तरह का खतरा नहीं है, जो एक्सपर्ट ने अभी राय रखी है। और भी सैंपल गए हुए हैं, उन सैंपल्स के आधार पर आगे की रणनीति हम लोग बनाएंगे। Several migratory birds were found dead in various parts of Delhi over the last week.